हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक पुराना किले के अंदर मात्र 4x6 फीट के अंदर एक जीना। चलो मैं दिखाता हूँ। इसका जो फुल व्यू है वो आपको मेरे ब्लॉग चैनल पर देखने को मिल जाएगा, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। फिलहाल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अभी मैं आया हुआ था एक खिज़र के यहाँ पे। एक पुराना किला है ये इस तरह का। तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा यहाँ कुछ आपको दिखाने के लिए। एक सिविल इंजीनियरिंग जो हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे जो बड़े हैं पुराने जो एक एशियंट होते हैं, जो पुराने पुराने जो किला होते हैं उनके अंदर कैसे इंजीनियरिंग दिखाई गई है, कैसे उसके अंदर एक कला दिखाई गई है, क्योंकि जिसमें कोई सरिया प्रोवाइड नहीं होता था। जैसे कि ये बात देख पा रहे होंगे, जो गुम्बद बनाया गया इसमें कोई सरिया नहीं है, जस्ट ओनली ब्रिक्स से ही बनाया गया है। एंड ब्रिक्स एंड मोर्टार जो होता था, चूना मिला के एक पत्थर के अंदर मिक्स करके उसको बनाया जाता है। जस्ट मैं यहाँ पे आया था तो मैं कहा चलो इंटरेस्ट है कुछ आपको एशियंट दिखा दो। ये इंजीनियरिंग जो पहले की जो एंशियंट इंजीनियरिंग वो किस तरह की होती है, जैसे कि पत्थर को पत्थर के अंदर भी एक डिज़ाइन बना के उसको कटिंग करके, पहले जो इतने औजार नहीं होते थे, बस हथौड़ा से ही। आज के टाइम में तो बहुत मशीनरी हो चुकी है। और इस तरह का कि काफ़ी इंटरेस्ट जो पत्थर होते हैं, पत्थर के अंदर ही इसको कटिंग करके एक जैसा डिज़ाइन बनाया गया। जैसे कि पत्थर को देख पा रहे हैं, जो भी डिज़ाइन बनाया गया है, और एक ये पत्थर है, इसको पत्थर को भी जो आप मान मेन आम घरों के अंदर भी होते हैं पत्थर, जो छतों में गाटर सिल्ली इसको बोलते हैं, तो इस तरह का एक लाल पत्थर है ये, इसको कटिंग करके एकदम ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया गया है। अब ले चलता हूँ आपको जीने की तरफ। जो जीना बनाया गया है, जो जीना देख पा रहे होंगे, जस्ट ओनली इसकी जो चौड़ाई है 2 फीट की है। और राइजर एंड ट्रेड, राइजर जो है इसका कम से कम इसकी 10 इंची की हाइट का है, और ट्रेड जो है वो भी कम अप्रोक्सीमेट 9 इंची की चौड़ाई में है। तो यहाँ पे जस्ट व्यू आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि जो चौड़ाई है जीने की ओनली 2 फीट जीने की चौड़ाई है, और राइजर की 10 इंची और 9 इंची, ऐसे राइजर जो ट्रेड है 9 से 8 इंची तक अप्रोक्सीमेट बना हुआ है बस ओनली, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होगी जीने की, वहाँ से उस फेस से इस फेस तक अप्रोक्सीमेट होगी इसका 5 फीट, ठीक है, 5 फीट ही है। उसके बाद हम आके लेकर चलते हैं जीने को आपको। बड़ा ही एंशियंट जो बनाया गया है जीना, बड़ा शानदार बनाया गया है। ऊपर की मैं छत दिखा दूँ तो कोई सरिया नहीं है, कोई स्लैब लेंटर नहीं पड़ा हुआ है, जस्ट ओनली पत्थर से ही ये बनाया गया है। बड़ा इंटरेस्ट लगा तो सोचा कि मैंने अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ, ताकि उनको एक इनफैक्ट जो पुराने जो एंशियंट होते हैं, जो किला होते हैं, दरवाजे होते हैं, इस तरह के दिखा दूँ। एक इसमें थोड़ा ओपनिंग भी छोड़ी गई है, जो इसकी चौड़ाई है दीवार की अप्रोक्सीमेट 1 फीट है, 1 फीट की कम से कम चौड़ाई इसकी बनाई गई। काफ़ी अच्छा लगा, एक ही नेचुरल रोशनी देने के लिए, दूसरा इसमें से हवा भी बहुत अच्छी आ रही है, जैसे कि हम उस पर जा रहे हैं, ताकि किसी का थोड़ा मतलब सांस लेने में भी अच्छा रहे और घुटन सी ना हो इसमें, और नेचुरल रोशनी भी आती रहे। थोड़ा और लेके चलते हैं आपको ऊपर। तो छत भी बहुत अच्छे से बनाई गई नेचुरल से, ताकि जो हमारा जो सर होता है, जैसे जीने में आप बनाते हैं डॉग लैड स्टेयर, ओपन वेल स्टेयर, तो उसमें जो छत होती है, तो जीने में छत के अंदर कुछ नहीं लग रहा हमारे, पूरा बचा हुआ है। और जीने के किस तरह डिजाइन बनाया गया हुआ है ओपन वेल के, जैसे उसको कटिंग करके इसमें एक स्टेप, जैसे काफ़ी होते हैं कि एक लैंडिंग बना देते हैं यहाँ पे, इसमें लैंडिंग ना बनाकर टोटली स्टेप ही बना दिया गया। जैसे कि एक लैंडिंग यहाँ बनाते हैं ओपन वेल स्टेयर में, या फिर डॉग लैग स्टेयर के अंदर एक लैंडिंग बनाते हैं, इसमें कोई लैंडिंग नहीं है, जस्ट ओनली स्टेप से ही बना दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा इसकी जगह को कम करने के लिए और स्टेप को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर मैनेज करने के लिए बना दिया गया है। काफ़ी अच्छे ओनली पत्थर से ही बनाए गए हैं। इसका रिव्यू मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ, नीचे से कुछ इस तरह दिखता है। अगर कम जगह होती है तो कम जगह में जीने को कैसे चढ़ाया जाता है, तो इस तरीके से जो पुरानी जो इंजीनियर्स जो पुराने मिस्त्री होते थे पहले टाइम के, काफ़ी इंटरेस्ट बना दिया है इसको, ठीक है। तो जगह कम होने की वजह से इसको इस तरह से चढ़ाया गया, देखो वहाँ से जीना आए ऐसे, और ऐसे इसको, जैसे इसकी चौड़ाई जस्ट 2 ही फीट है, और वैसे अप्रोक्सीमेट 5 फीट है, और ऐसे 6 फीट है, ठीक है। तो ये स्टेप इस तरह से ऊपर को चढ़ाया गया है। काफ़ी इंटरेस्ट मुझे लगा, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको देखने में ही अलग ही मज़ा होता है। और जैसे कि लाल पत्थर है ये, जैसे घर छतों के ऊपर या पार्क के अंदर जो बनाए जाते हैं, तो इस तरह के बनाए, जैसे बरसात में ऊपर बैठने के लिए, बरसात में हो या फिर धूप हो उसके लिए बचने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए बड़ा अच्छा बनाया गया इस तरह से।
और दोबारा फिर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ नीचे का। ये व्यू है स्टेयर का, इस तरह से कम जगह में हम आ चुके हैं ऊपर। ये पुराना किला है तो उसका जो फुल व्यू है ब्लॉग पे देखने को मिलेगा, तो मैं जस्ट ब्लॉग पे मैं अपलोड कर दूंगा। जस्ट अभी मैं आया हुआ था एक पुराना किले के ऊपर, तो थोड़ा इंटरेस्ट जो इंजीनियरिंग से है, जो पुरानी इंजीनियरिंग से है, तो फैक्ट्स हैं वो दिखाने में ही अलग मज़ा होता है, उसको देखने में अलग मज़ा है। जो पुरानी इंजीनियर कैसे बना कर चले गए, किस तरह से वो जीना बना कर चले गए, जो आज हमें देखने को सीखने को कुछ नया मिल रहा है। उस टाइम में कोई पढ़ाई तो होती नहीं थी, जस्ट ओनली एक पुराना कलाकारी, एक टेक्निक्स होती थी जो पूर्व चले गए। एक डिज़ाइन, एक तरह से कितना अच्छा से इसमें डिज़ाइन बनाया गया है, पुराने कम से कम हज़ारों साल पुराना है ये। जैसे आपने लाल किला देखा होगा, ताजमहल देखा होगा, तो उनके अंदर कोई सरिया नहीं है, जस्ट ओनली उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी उसमें लकड़ी का प्रोवाइड किया गया नीचे बेसमेंट में फुटिंग पे, ताकि वो मूवमेंट जो अर्थक्वेक में मूवमेंट है वो प्रॉपर कर सके और लॉन्ग टाइम तक चल सके। जैसे कि आज के टाइम में जो बिल्डिंग होती है इनके अंदर राफ्ट बनाई जाती है, ताकि जो पूरा लोड है पूरा राफ्ट के ऊपर बेस पे आ जाए, और राफ्ट उसको चौड़ी बना दी जाती है, उसकी जो थिकनेस हो कम से कम 5-5 2 फीट बना दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी जो हाईएस्ट बिल्डिंग होती है उनकी टोटली राफ्ट बनाते हैं, और ऐसे ही जैसे बिल्डिंग्स होती हैं इनके अंदर अलग अलग फुटिंग बना दी, जैसे कि नॉर्मल 1-2 फ्लोर बिल्डिंग बनाते हैं आप, तो उसमें आप आइसोलेटेड फुटिंग बनाते हैं, सिंगल फुटिंग बनाते हैं, कंबाइंड फुटिंग बनाते हैं, तो अलग अलग कॉलम के लिए अलग फुटिंग। बट अगर ये पूरी बिल्डिंग है तो पूरी बिल्डिंग में कॉलम तो देंगे, बट लेकिन उसके राफ्ट देते हैं एक मैट फुटिंग, ठीक है। जैसे आप पूरी छत पर डालते हो, ऐसी जस्ट एक छत नीचे डालते हो पूरे ग्राउंड में फुटिंग में और राफ्ट, ताकि जो प्रॉपर लोड है बिल्डिंग का प्रॉपर उस पर यूनिफॉर्म में आ जाए लोड, आपका जो लोड है पूरा बिल्डिंग का लोड है यूनिफॉर्म में हो। इसी तरह जो पुरानी बिल्डिंग्स है पूरे प्रॉपर बनाई गई है, जो उसका बेस है वो नेचुरल ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पे बनाया गया है। ये एक इंटरेस्ट फैक्ट से लग रहा है, कुछ इस तरह से ये जो डिज़ाइन होते थे ये भी पत्थर को काट काट के इस तरह से फूल्स बनाए जाते थे पहले। आज के टाइम में तो क्या है, एक तरह फरे से फर्मे बना दिया है, जब फर्मे के अंदर इसको मोल्ड कर दिया जाता है कि भाई ये फर्मे हो गया इसमें मोल्ड कर दिया, तो ये मोल्ड इस तरह से बनाया गया। और पत्थर जो लाल है एंड लाइट येलो में पत्थर जो है वो बनाए गए हैं, और कैसे इसको डिजाइन बनाया गया है, और जैसे ये देख पा रहे हो इसमें कोई लेंटर नहीं है, कोई इसमें सर कॉन्क्रीट नहीं है, कोई इसमें सरिया नहीं है, विदाउट कॉन्क्रीट विदाउट स्टील के अंदर ये छत बनाई गई है। बड़ा अच्छा गुम्बद लग रहा है देखने को ये पूरा, ये कहाँ पे है और इसका एसेंट क्या है, क्या इसका हिस्ट्री है, तो पूरा मैंने एक ब्लॉग चैनल बनाया उस पर आपको दिखा दूंगा, ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर पूरा अच्छा इंटरेस्ट बनाया गया है, पूरा व्यू आपको फुल व्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, कितनी कम जगह में जीना बना दिया है, और जो लोकेशन है ये इस तरह से किसको उसको डिजाइन कर दिया गया, किस तरह से पत्थर को काट काट के बनाया गया दिया गया। जो मोर्टार भी देख रहे होंगे जैसे कि चूना पत्थर होता है उसी को मसाला बना के ये मिक्स किया गया है। और जो ये ब्लॉक देख पा रहे होंगे, जैसे आपको लग रहा होगा कि कंक्रीट ब्लॉक है, बट ये कंक्रीट ब्लॉक नहीं है, ये एक तरह का पत्थर चूना पत्थर है जिसको कटिंग करके इसको मोल्ड किया गया है। एक मोटर है जो चूना मोटर के अंदर मिक्स करके डस्ट वस्ट जो पुराना होते थे उसको मिक्स करके ये मोटर को तैयार किया गया है, इस तरह से बनाया गया है, बड़ा ही इंटरेस्ट लगा हुआ है। और ऊपर बैठने के लिए जैसे कि देख पा रहे हो फुल व्यू आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्ट लग रहा है आपको देखने में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ और भी इंटरेस्ट आपको मैं दिखाऊँगा इधर, और भी कुछ चीज़ों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दिखाऊँगा। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ नया इंटरेस्ट और दिखाऊंगा यहाँ पे मैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।